सोलर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, इसका यह पार्ट टू है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सोलर प्लांट लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगाया जाता है और स्ट्रक्चर लगाने से पहले जो गड्ढे किए जाते हैं, जो पाइल्स किए जाते हैं, उसके लिए मार्किंग कैसे की जाती है और मार्किंग करने के बाद गड्ढे हैं वो कैसे किए जाते हैं और जब गड्ढे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको सब कुछ जानकारी, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में देने वाले हैं। तो जो भी दोस्त इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सोलर प्लांट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए एक प्लेन ज़मीन है जहां पर हमें गड्ढे करने हैं, तो गड्ढे करने से पहले हमें वहां पर मार्किंग करनी पड़ती है। तो मार्किंग इस प्रकार से की जाती है, जितनी दूरी पर गड्ढा करना होता है तो उस जगह पर इस प्रकार से मार्किंग कर दी जाती है, कलर से किसी या जो चूना होता है उससे इस प्रकार से राउंड बना दिया जाता है, जिससे जो मशीन वाले हैं, गड्ढे करने वाले हैं, वो आसानी से इसको गड्ढे कर देते हैं। और गड्ढा भी बिल्कुल फिक्स जगह होना चाहिए जहाँ पर मार्किंग की गई है, वो गड्ढा भी थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं आएगा जिससे हमें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से इसकी मार्किंग की जाती है। फिर जो इसके गड्ढे किए जाते हैं वो इस प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो जो नॉर्मली यहाँ पर ट्रैक्टर जो होता है उसी में ये फिक्स कर लिया जाता है, उससे इस प्रकार के गड्ढे किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ट्रैक्टर है वो आसानी से उस जगह फिक्स कर लेता है आगे बढ़ा के, जहाँ पर मार्किंग होती है वहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, उसके बाद गड्ढे कर लिए जाते हैं। जो गड्ढा है उसकी जो गहराई होने वाली है वो 1.8 मीटर होने वाली है, और अगर किसी जगह पत्थर आ जाता है जहाँ पर गड्ढा नहीं हो पाता है तो उसके लिए इस प्रकार की बोरवेल मशीन जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। वो आसानी से जो भी पत्थर होता है उसको वहाँ पर भी जितना हमारा गहराई में गड्ढा होना चाहिए वो उतना तक आसानी से कर देती है, और बिल्कुल भी जहाँ पर हमारी मार्किंग है वहाँ पर कर देती है आसानी से। अलग अलग जगह पे अलग अलग मशीनों का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस प्लांट में इन्हीं दो मशीनों का यूज़ किया गया था गड्ढे करने के लिए। तो इसी प्रकार से इसके गड्ढे किए जाते हैं, और इस गड्ढे की जो लेंथ है वो 1.8 मीटर रखी गई थी इस प्लांट में। तो इसके बाद जब गड्ढे पूरे हो जाते हैं और इसके बाद फिर क्या किया जाता है, जो ये वाला चैनल है जो गड्ढे में जाना है हमारा फिक्स होना है, तो ये देखिए ये जो चैनल है सबसे पहले इन्हीं चैनल्स को गड्ढे में डाल दिया जाता है जितनी गहराई उसकी होती है। फिर क्या किया जाता है, ये जो चैनल है इसमें एक फ्रेम आता है, तो इस फ्रेम को इतने हाइट पर फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पर। और जो फ्रेम होता है उसके चार लेग होते हैं, तो वो चारों साइड लगे होते हैं और वो हैवी होता है जो फ्रेम है उसका, जिससे और उसमें क्या होता है जो स्क्रू नट बोल्ट भी लगे होते हैं, तो उससे क्या है ये जो स्ट्रक्चर के लगाने के लिए जो चैनल लगाया है वो उसको फिक्स कर लेते हैं वहाँ पर, कि उससे कभी जब मसाला डाला जाए तो हिले डुले ना। और इसकी मार्किंग भी कर ली जाती है कि ये बिल्कुल टेढ़ा भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इसको बिल्कुल सीधा रखा जाता है सभी चैनल्स को। तो इसीलिए वो फ्रेम लगाया जाता है, फ्रेम बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जो चैनल है वो हिलता नहीं है। और उसके बाद जो मिक्सर मशीन होती है उसके द्वारा जो गड्ढे में मसाला डाला जाता है, तो मिक्सर मशीन में एक वो नाली टाइप की रहती है, तो वो उसको इस गड्ढे में फंसा देते हैं और वहाँ से मिक्सर मशीन से जो है मसाला गिराते हैं, तो वो गड्ढा जो है फिल होता जाता है। फिर गड्ढा जब पूरा भर जाता है तो वो मसाला वहाँ से बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सब गड्ढे भरे जाते हैं। फिर जब गड्ढे भरने के बाद जो इस प्रकार का जो बेस बनाया जाता है तो उसके लिए भी एक प्लास्टिक का फ्रेम होता है, तो उसको वहाँ पर ऊपर रख दिया जाता है इसके ऊपर से डाल के। फिर उसके बाद इसमें भी अच्छे से मसाला भरा जाता है जिससे वो सेट हो जाए। इसको ये प्रक्रिया हम फ्रेम निकालने के बाद करते हैं। फिर इसके बाद जो है ये जब सेट हो जाता है तो वो प्लास्टिक का जो फ्रेम है इस प्रकार का गोल होता है, उसको बाद में ऊपर से इसी प्रकार से निकाल लिया जाता है, फिर उसे दूसरी जगह लगा दिया जाता है, जिससे जो इसका बेस है वो अच्छे से बन जाता है। ये जो चैनल देख रहे हैं जिसको गड्ढे में फिक्स किया गया है इसको वर्टिकल पोस्ट बोला जाता है, और ये जितना आप इसको ऊपर देख रहे हैं इससे ज़्यादा इसको ज़मीन के अंदर रखा गया है, जिससे कि कभी भी तेज़ तूफान आए तो उसको ये आसानी से सहन कर पाए, इससे स्ट्रक्चर पर कोई भी असर ना पड़े।
ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर देखा जाता है, ये कंडीशन देखी जाती है कि वहाँ पर विंड की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। बेस अच्छे से फिक्स होने के बाद, इसके बाद जो वर्टिकल पोस्ट होता है उस पर इस प्रकार की पत्ती लगाई जाती है। ये सभी गैल्वनाइज्ड आयरन के बने होते हैं, सारा स्ट्रक्चर है वो गैल्वनाइज्ड आयरन का है। और जो पत्ती लगाने के लिए जो बोल्ट नट बोल्ट यूज़ किए जाते हैं वो 10 स्क्वायर mm के यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर जो वाशर हैं वो सभी वाशर यूज़ किए गए हैं, प्लेन वाशर और स्प्रिंग वाशर, जिससे इसकी टाइटनेस अच्छे से बनी रहे। देखिए यहाँ पर प्लेन वाशर लगाया गया है और उस साइड दूसरी साइड प्लेन वाशर भी लगाया गया है और उसके बाद स्प्रिंग वाशर भी लगाया गया है और इसको अच्छे से फिक्स टाइट किया गया है। अब इस पत्ती के लगने के बाद इस पर जो ये वाली चैनल दिख रहे हैं इसको राफ्टर बोला जाता है, तो इसके बाद राफ्टर को इस पर कसा जाता है वर्टिकल पोस्ट पर। तो यह जो राफ्टर कसी जाती है इसका जो नट है वो 16 स्क्वायर mm का लगाया गया है और इस पर भी वाशर, उस साइड दूसरी साइड हमारा प्लेन वाशर लगा है और इस साइड प्लेन वाशर और स्प्रिंग वाशर है वो दोनों यूज़ किए गए हैं और इससे अच्छे से टाइट किया गया है, जिससे इसकी टाइटनेस अच्छे से बनी रहे, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी हिले डुले ना। और इसके बाद जो पतला चैनल होता है उसको ब्रेसिंग बोला जाता है और इसको भी एक पर्टिकुलर एंगल बनाए रखे इसलिए इसका को लगाया जाता है। और इसको इस प्रकार लगाने से क्या होता है, जो राफ्टर है उसको भी सपोर्ट मिलता है जिससे वो फिक्स बना रहे हिले डुले ना। और इसको भी 10 स्क्वायर mm का जो नट होता है उससे कसा जाता है और इसमें भी जो बासर है वो यूज़ किए जाते हैं जिससे इसको फुली टाइट किया जा सके। और इसके बाद क्या होता है, जो पर्लिंग होती है उसको लगाया जाता है जिस पर हमारे मॉड्यूल कसे जाते हैं। देखिए ये जो चैनल है इसको पर्लिंग बोला जाता है, इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है लेकिन हमें स्ट्रक्चर लगाने के लिए इससे बड़ा पर्लिंग की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या करते हैं, हम इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के लिए इस प्रकार की पत्ती का यूज़ किया जाता है और इसको जो 10 स्क्वायर mm के चार नट लगे होते हैं उससे अच्छे से कस के इसको टाइट करके इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। और इसके बाद जो पर्लिंग है उसको राफ्टर में कसा जाता है, तो देखिए राफ्टर में एक होल होता है उसमें इस प्रकार से लगाया जाता है और इसको अच्छे से फुली टाइट कर लिया जाता है। यहाँ पर तो सारा स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल फुली टाइट कर लिया जाता है और स्ट्रक्चर में जो पर्लिंग लगी होती है उसमें होल होते हैं मॉड्यूल कसने के लिए। तो देखिए जो पर्लिंग है उसमें इस प्रकार से होल रहते हैं, मॉड्यूल इसी में कसे जाते हैं। तो इसी प्रकार से सभी पर्लिंग में होल होते हैं बराबर मार्किंग पर और वहाँ पर जो मॉड्यूल है वो कसे जाते हैं। तो जो पर्लिंग है वो इस प्रकार से लगाई जाती है जिससे जो ऊपर नीचे की जो पर्लिंग है और उसके जो होल हैं वो पैरेलल में रहें, जिससे कि जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल सीधा रहे। इसके बाद हम आपको एक कॉमन बात बताते हैं जिस पर ही सारे प्लांट का स्ट्रक्चर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्टिकल पोस्ट है ये चार वर्टिकल पोस्ट लगाई गई हैं और चार वर्टिकल पोस्ट के बाद कुछ गैप है। देखिए पहला पोस्ट है ये वर्टिकल पोस्ट, ये दूसरा है, ये तीसरा, और इसके बाद चौथे के बाद जो है वो थोड़ा सा गैप है। और यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट लगाई है, पांचवी वर्टिकल पोस्ट लगाई गई है, उसकी दूरी कम है और वहाँ पर एक पत्ती का यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, ये चार वर्टिकल पोस्ट है वो उसमें एक स्ट्रिंग बन के तैयार हो रही है और इसी स्ट्रिंग को, इतना ही जो चार वर्टिकल पोस्ट का जो है स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार के सारे स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं पूरे प्लांट में। तो देखिए इसी प्रकार के सारे स्ट्रक्चर पूरे प्लांट में लगे होंगे और जो इसके गैप के बाद ये जो पत्ती यूज़ हो रही है इसको इसलिए लगाया जाता है जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ा रहे, अर्थिंग रहे, इससे अर्थिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये सभी चार वर्टिकल पोस्ट के बाद सभी में गैप है और इसी प्रकार से सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है पूरे प्लांट का।